तो कैसे आप लोग, आइए आप लोग बढ़ेंगे। और आज के वीडियो में जो है जियो 5G लॉन्च हो चुका है, और कहाँ पे लॉन्च हुआ है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो मैंने जो है जियो के एडवाइज़र से जो है कॉल किया और उनसे जो है बातें की, तो कहाँ 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 लॉन्च हुआ है उससे वो भी बोला, और कब हमारे इधर जो है कब आएगा तो वो भी मैंने बोल दिया। तो चलिए फ़ोन के स्क्रीनशॉट पे और जो है सुनते हैं जियो ने कितने रुपये दिए, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा स्क्रीनशॉट। तो आ जाना है फ़ोन के स्क्रीनशॉट पे, और क्या करना है आपको, क्रोम ब्राउज़र को जो है ओपन कर लेना है। तो मैंने क्रोम ब्राउज़र जो है ओपन कर लिया, और यहाँ पे लिखना है हाउ टू गेट जियो 5G। तो यहाँ पे लिख लेना है आपको, देख सकते हैं मैंने क्या लिख लिया, और जो है गेट को जो है काट देना है, और यहाँ पे हाउ टू जियो 5G टू सिम, 5G सिम लिख लेना है। और जो है यहाँ पे एकदम नीचे वाला जो वेबसाइट है, तीसरे नंबर पे जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो है 5G के, जियो के 5G के जो जियो एयरटेल VI उन सब के डिटेल जो है आ चुका है। तो यहाँ पे जो है जियो ने जो है 1.5 लाख करोड़ जो है 5G लॉन्च के लिए दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 लाख करोड़ दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एयरटेल ने दिए है 88 करोड़, और यहाँ पे जो है VI सिम ने दिए हैं 43 करोड़ 5G लॉन्च के लिए दिए हैं। तो यहाँ पे जो है पूरे इंडिया पे जो है 5G आने वाला है। तो हाल ही में जो है जियो ने जो है जल्दी, मतलब सबसे पहले जो है 5G को इंडिया पे लॉन्च कर दिया है। तो बड़े बड़े जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, उधर बड़े बड़े शहरों में जो है 5G लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इधर जो है पूरा डिटेल बताया गया है, तो इधर जो है पढ़ सकते हैं आप। तो हाल ही में मैंने जियो के एडवाइज़र से बातें की है, तो बातें करने के बाद जो है 5G के बारे में कुछ नया जानकारी जो है मेरे को मिला, तो उसको भी जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो जिन जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर, तो चलिए कॉल करते हैं। हेलो, नमस्कार नमस्कार जी, आपका स्वागत है। मैं टेरिबुल की आपकी सहायता कर सकता हूँ? हाँ सर, मेरा नाम अशरफ है, और मैं जियो के 5G नेटवर्क के बारे में बात करना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब आपका नेटवर्क में इशू आ रही है सर? नहीं, मैं जियो के जो 5G नेट सिम आने वाला है, लॉन्च होने वाला है, वो हमारे इधर अभी तक भी नहीं आया, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। अच्छा, आप निश्चिंत रहिए सर। मैं तो पहले आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने जो 5G के बारे में इंटरेस्ट जगाया है सर। आप परेशान ना हुए, मेरे तरफ से आपको पूरी सहायता की जाएगी सर। तो जी सर, आप 5G के बारे में मतलब क्या देखी जानकारी लेना चाहते थे ना? हाँ, 5G हमारे इधर कब आएगा उसके बारे में जानना अच्छा चाहता हूँ। अच्छा अच्छा आप निश्चिंत, और आप कहाँ? निश्चिंत रहिए, इस हाँ बार आपका कॉल हमारे पास आया है। मैं उम्मीद करता कि हमारी तरफ से आपको पूरी सहायता की जाएगी सर। जी देखिए, हम जो आपको जो 5G है अभी अवेलेबल है सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में, अभी स्टार्ट हुआ है दूसरे के दिन, ठीक है, वेलकम ऑफर के साथ सर। और हम लोग इसको इंक्रीज कर लेंगे जियो 5G को, और फिर सिटी बाई सिटी ऑन गोइंग बेसिस हिसाब से कुछ मंथ अंदर सर चेन्नई भी लॉन्च हो गया है और नथुआरा में, ठीक है। और हाँ दिसंबर 2023 के अंदर हम पूरी शहर में, पूरी इलाका में, तहसील में और टाउन में भी हम लोग लॉन्च करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आपको इन्फॉर्म भी दिया जाएगा, ठीक है सर। बहुत हाँ जल्दी हम लोग यहाँ पर 5G लॉन्च कर देंगे सर, 2023 के अंदर ही सर सब जगह में लॉन्च हो जाएगी। और जब आपका 5G ऑफर के बारे में आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, अब आप जब सर एलिजिबल होंगे तो आपको एक वेलकम ऑफर मिलेगी जो आप माई जियो में चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन के द्वारा, ठीक है सर। हाँ और 5G के सुविधा को लेने के लिए आपको उसके लिए एक 5G कंफर्टेबल डिवाइस होना चाहिए, और 5G नेटवर्क कवरेज एरिया के अंदर होना चाहिए मोस्ट टाइम। ज्यादातर टाइम आपको 5G एरिया के अंदर बिताना पड़ेगा, तभी आप 5G सुविधा को ले पाएंगे सर, ठीक है सर। और ठीक जो है, है आपको जो प्लान रहना होगा 239 के ऊपर, मतलब 239 प्रीपेड के लिए जो प्लान है उसके ऊपर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, और पोस्ट पेड के लिए तो सारी प्लानिंग अवेलेबल है सर, ठीक हाँ टू है सर। थर्टीन हाँ सर टू थर्टी नाइन हाँ सर 239 से रिचार्ज करने से कितने MB मिलेंगे सर?
नहीं, जो प्लान है आपको वही प्लान मिलेगा, बस 5G की सुविधा आपको मिलेगी। उसके लिए 5G का कंफर्टेबल डिवाइस रहना चाहिए, और आपको जो जिस जगह से 5G की सुविधा लेंगे वो 5G कवरेज एरिया होना चाहिए। तो हम लोग अभी तक आप आसाम से बात कर रहे हैं ना, तो फिलहाल अभी तो आसाम में लॉन्च नहीं हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2023 के अंदर ही आपकी सारी जगह में लॉन्च हो जाएगी सर, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके सर, जब लॉन्च हो जाएगी तो। हाँ जी बताइए। हाँ सर, जो 5G नेटवर्क है वो कितने स्पीड से चलेगा सर? हाँ जी, हाँ जी, वो भी हम बता देंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, 5G कितने स्पीड में चलेगी वो भी हम बता देंगे सर। चलो हाँ, वो अभी अभी बता नहीं सकते क्या? हाँ जी, जरूर बता सकते हैं। अच्छा, लाइन तो बन रही है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए, लार्जेस्ट और मैक्सिमम जो स्पेक्ट्रम है हमारे जो 5G, और सर 100 Kbps के हिसाब से चलेगी। ठीक है सर। हाँ, मतलब बहुत फास्ट चलेगा ना? जी सर, जी सर, जरूर चलेगी सर। 5G जो आपका जो स्पीड है, जियो एडवांटेज के हिसाब से 5G यूजर के लिए एक्सपीरियंस 5G जो स्पीड मिलेगा आपको 1 Gbps तक अल्ट्रा लो लेटेंसी के हिसाब से बेस्ट मिलेगी सर, आउटडोर एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक हाँ सर, तो ज्यादा MB पे रिचार्ज करना पड़ेगा। है। हाँ जी, वो तो करना पड़ेगा सर। हाँ, ज्यादा प्लान चाहिए, एक दिन के लिए कम से कम 3 GB MB चाहिए। हाँ जी सर, वो आपके हिसाब से आप जैसे यूज करेंगे, मगर डाटा जो है हाई ओवर के हिसाब से चलेगी। हम लोग इसको ठीक है, 4G के हिसाब से बहुत ही फास्ट चलेगी 5G, और हम लोग इसको बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं हर कंट्री में, हर शहर में, हर तहसील में सर। आप निश्चिंत रहिए, आपके एरिया में भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। ठीक है सर। हाँ, आपने तो एयरटेल से जल्दी लॉन्च कहती है। हाँ जी, हाँ जी। और सर, तो कुछ जगह बचा हुआ है बहुत, उसमें हम लोग भी बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द लॉन्च करने के लिए सर। बस अभी हाँ, 5-6 जगह में हुआ है, बाकी जगह में नहीं हुआ, वहां पर भी हो जाएगी। ठीक ठीक सर। ओके सर, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस कॉल के बाद आपको सर्विस प्राप्त हो गया SMS के द्वारा, जिसमें रेटिंग स्केल रहता है एक्सीलेंस से लेकर 4 तक। एक्सीलेंस रेटिंग सबसे हाईएस्ट होता है, 4 रेटिंग सबसे लोएस्ट होता है। आपको हमारे साथ बातचीत करके कैसा लगा उसके अनुसार आप फीडबैक दे सकते हैं। मुझे हाँ उम्मीद है कि आप फीडबैक देंगे, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जियो में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर, और आपका दिन शुभ हो सर। थैंक यू सर। वेलकम सर।